69 फिल्मफेयर अवार्ड्स की शुरुआत गुजरात के गांधीनगर में हुई। होस्ट करण जौहर ने अपने को होस्ट मनीष पॉल के साथ ग्रैंड एंट्री भी की। वरुण धवन, जानवी कपूर और करीना कपूर खान जैसी कई सेलेब्स ने इस इवेंट में परफॉर्मेंस से चार चांद लगा दिए। तृप्ति दिमरी ने भी फिल्मफेयर में अपना डांस डेब्यू दिया। 69 फिल्मफेयर अवार्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। रणबीर कपूर की एनिमल मूवी 19 नॉमिनेशन के साथ नॉमिनेशन लिस्ट में सबसे आगे है। शाहरुख खान, जिनके लिए 2023 उनके करियर के बेस्ट ईयर्स में से एक था, उन्हें बेस्ट एक्टर कैटेगरी में भी 2 नॉमिनेशन मिले हैं। फिलहाल आपको बताते हैं अनाउंस हो चुकी अवार्ड लिस्ट के बारे में। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का फिल्मफेयर अवार्ड एनिमल के लिए प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भारद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी, भूपेंद्र बब्बल, आशिम केम्सन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल को मिला। 69 फिल्मफेयर अवार्ड में जरा हटके जरा बचके के तेरे वास्ते के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट सॉन्ग का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। आरडी बर्मन अवार्ड फॉर अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट श्रेयस पुराणिक ने एनिमल के सतरंगा के लिए जीता है। तो वहीं बेस्ट डायलॉग का फिल्मफेयर अवार्ड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता मोइत्रा ने जीता। फिल्मफेयर अवार्ड्स 2024 में 12वीं फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया। 69 फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट स्टोरी का फिल्मफेयर अवार्ड OMG 2 के लिए अमित राय और जोरम के लिए देवाशीष मखीजा को दिया गया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन को फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। बेस्ट प्लेबैक मेल का फिल्मफेयर अवार्ड एनिमल के अर्जुन वैली के लिए भूपेंद्र बब्बल को मिला। तो वहीं बेस्ट प्लेबैक फीमेल का फिल्मफेयर अवार्ड पठान के बेशरम रंग के लिए शिल्पा राव को दिया गया। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड तरुण दुडेजा को धक धक के लिए मिला। बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्मफेयर अवार्ड सलमान खान की भांजी अलीजे को मिला। तो वहीं आदित्य रावल को फिल्म फराज में उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट डेब्यू मेल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। विक्की कौशल को फिल्म डंकी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड मिला है। शबाना आजमी को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड मिला है। तो वहीं बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का फिल्मफेयर अवार्ड देवाशीष मखीजा की जोरम को मिला। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड मिला। तो वहीं उनके पति रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल मेल के लिए अवार्ड से नवाजा गया। विक्रांत मेसी की फिल्म 12th फेल को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिनेता विक्रांत मेसी को फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक का अवार्ड दिया गया। तो वहीं रानी मुखर्जी को फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए चुना गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।